राजस्थान का वो लग्जरी अध्यक्ष जिसने मांगी 5 लाख की सुविधा, जानिए क्या है पूरा सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीना खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। राजस्थान में कुर्सी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बवाल मच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए घमासान मचा हुआ है। ऐसे में भला राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्वाचित अध्यक्ष निर्मल चौधरी कहां पीछे रहने वाले थे। आखिर चौधरी की अध्यक्ष वाली कुर्सी का सवाल है कोई मजाक थोड़ी है। उन्होंने भी तत्काल विश्वविद्यालय को अपनी मनपसंद कुर्सी की इच्छा जाहिर कर दी। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र संघ कार्यालय की सजा सज्जा के लिए नए फर्नीचर से लेकर कई इलेक्ट्रिक उपकरणों की सूची दी है। इस सूची देखकर विश्वविद्यालय प्रशासन भी असमंजस में है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड से सामान की कीमत का आकलन करवाया गया तो अनुमानित कीमत कम से कम 5 लाख तक पहुंच गई। इतनी सुविधा तो खुद कुलपीत के कार्यालय में भी नहीं है। विश्वविद्यालय में आखिर बेड क्यों लगवा रहे हैं अध्यक्ष? छात्र संघ अध्यक्ष ने खुद के लिए बॉस चेयर की मांग की है। इसकी कीमत करीब 12,000 रुपए तक है, जबकि कुलपति के कुर्सी की कीमत 9,000 तक है। कुलपति कार्यालय में 2 AC लगे हैं, वहीं छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय में 6 AC की मांग की गई है। इनकी कीमत करीब 2 लाख से 16,000 अंक गई है। इसके साथ ही फ्रिज, वाटर कूलर, RO, बेड, सोफे की मांग भी की गई है। अब सवाल उठ रहा है, विश्वविद्यालय में बेड बिछाकर आखिर छात्र संघ अध्यक्ष क्या करेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड की ओर से खरीदे जाने वाले फर्नीचर की जानकारी अध्यक्ष को भेजी, लेकिन बताया जा रहा है कि यह फर्नीचर पसंद नहीं आया। इसके बाद अब DSW के नेतृत्व में कमेटी बनाई जा रही है। इसके बाद खुला टेंडर कर सामान की खरीदारी की जाएगी।